हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकल सपोर्ट हिंदी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल के चार एप्लीकेशन वगैरह जो बहुत ही अच्छा है, तो उसमें से एक दो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों अगर सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। सबसे पहला वाला जो है वो है गूगल, ये देखिए गूगल डियो। ओके, पहला वाला ये देखिए मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। उसके बाद दूसरा वाला जो है क्या है याद है, वॉइस ये देखिए वॉइस एक्सेस, ये दूसरा वाला, ये भी मेरा इंस्टॉल है, आप देख सकते हैं ये वाला। और तीसरा जो है वो है, मैं दिखा देता हूँ, गूगल इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, क्या नाम है इसका, सॉरी एक मिनट, सॉरी दोस्तों थोड़ी वो गलती हो गई थी, मैं उसका नाम बोल गया था। चलिए ये इसका आपको सिंपली सर्च करना है ग्विस्टर, ग्विस्टर कह के आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर आप आ जाएंगे। पहले पे देख सकते हैं ये ग्विस्टर, लेकिन ये वाला नहीं है, आपको ये वाला इंस्टॉल करना है, गूगल ग्विस्टर सर्च। ये गूगल की तरफ से निकला है, इसकी आप रेटिंग देख सकते हैं 4.2 और इसके 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड भी किया है। तो मैं इस ऐप को बहुत खास नहीं कहूँगा लेकिन अच्छा ही है। चलिए और तीसरा वाला जो है वो है ये देखिए एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर। ये तीनों आपको, ये चार आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो ग्विस्टर है मैं आपको इसी को ही दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको डाउनलोड कीजिए, उसके बाद ओपन, ओपन के बाद ये देखिए एक्सेप्ट एंड फिनिश, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये देखिए इंडेक्सिंग हो रहा है, ये फ़ोन सेटिंग, ये वो है, पता नहीं क्या क्या होता है, पर उसको छोड़िए। मैं इस ऐप की आपकी खासियत बता दूँ, अगर आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही है, अगर आपने बहुत कुछ ज़्यादा ही कुछ किया हुआ है, कि आप फिर कोई नंबर सर्च करना है तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ से आप सिंपली सब कुछ सर्च कर सकते हैं गूगल से। इससे आप सब कुछ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ डी, ये देखिए डी देखिए डा, ये देखिए जो भी मैंने सेव किया है यहाँ पर, यहाँ तक कि मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए पहले इसको क्रॉस कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ आई, ये देखिए आई यहाँ पर है, इसके बाद एम, इसके बाद ओ, ये देखिए ईमो, ये वाला एप्लीकेशन। सर मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, जैसे नंबर छोड़िए मैं आपको दिखा देता हूँ, पी एल ए, ये देखिए प्ले स्टोर आ चुका है, ये मैंने ओपन किया। ये तो था पहले वाला ऐप, अब मैं दूसरा वाला ऐप आपको दिखाता हूँ। ये दूसरा वाला ऐप किधर गया, ये वॉइस एक्सेस। इससे आप क्या कर सकते हैं, आपका जो मोबाइल है उसको आप सिर्फ मुंह में बोल के ही पूरा कमांड कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को कुछ परेशानी होती है कि वो हाथ नहीं लगा सकते मोबाइल को, या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर कहीं बैठे हुए हैं, तो इसको आप ये कर लीजिए। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखिए एक्सेबिलिटी ऑन करना पड़ेगी, ये देखिए एक्सेबिलिटी वॉइस एक्सेस टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो इसको आप ऑन कर दीजिए सिंपली। ऑन करने के बाद और एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, आपका जो गूगल एप्लीकेशन मिलता है उसको आपको स्टार्ट करना है, उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा एकदम न्यू वर्जन में। तो सॉरी दोस्तों मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए ये एक चीज़ काम नहीं करती स्क्रीन रिकॉर्ड में, मैं आपको बताना भूल गया। इसकी ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी, आप इसे खुद ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता पर आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं तीसरा वाला कौन सा था, ये था गूगल डियो। ये इस गूगल डियो पर आपको आपका एक अकाउंट बनाना होगा, जिसके थ्रू आप आपके दोस्त से वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो इसी ये बहुत अच्छा ऐप है अगर आप ठीक से यूज़ करें। और इसकी जो वीडियो क्वालिटी है, बाकी जो एप्लीकेशन होती है जैसे कि इमो, बहुत कुछ होता है उससे, ये इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अभी किसी को कॉल करता हूँ पर ये होगा नहीं, अगर वो ऑनलाइन में नहीं है वो जब भी खोलेगा उसको आप देख सकते हैं। और तीसरा वाला जो था वो था, मैंने आपको बताया था एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर, ये तीसरा वाला आप अपने मोबाइल पे हमेशा रख सकते हैं, ये बहुत काम की एप्लीकेशन है। अगर आप इसे देखें तो मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ,
ओपन करने के बाद ये देखिए मेरा ईमेल आ गया, यहाँ पर कुछ ईमेल्स हैं। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड चाह रहा है, तो इसमें मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, आप वेट कीजिए। यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, फिर सिंग इन करता हूँ। ये देखिए सिंग इन हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए गूगल पर, ये देखिए गूगल का मैप आ चुका है पूरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, आपका जो मोबाइल है ये, इसका आप अगर आप अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल रखे और उस पर रजिस्टर करके ओपन रखे, मतलब कभी भी अगर आपको मोबाइल गुम जाता है या फिर चोरी हो जाता है, तो आप इससे अपने मोबाइल का फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसे 4 मोबाइल पे ये किया है। तो ये देखिए लास्ट ऑनलाइन 5 सितंबर 2016, यहाँ पर 10 सितंबर, यहाँ पर 16, एंड दिस डिवाइस मतलब मेरा जो मोबाइल है लाइकोला 2। तो इससे आप क्या कर सकते, अगर मान लीजिए अगर आपने मोबाइल को अपने मोबाइल को ढूंढ लिया कि ये बोल रहा है कि इस आपके पास ही है कुछ देर आगे, मतलब आपने कुछ एड्रेस बताया, कुछ दुबराजपुर ऐसे कुछ बताया होगा, आप वहाँ पर आ चुके हैं, अब आपको कैसे पता लगे, आपने तो मैप पे कुछ मतलब वहीं पर आ चुके हैं और वो ऑनलाइन में है, आपको यहाँ पर मिल दिखाई देगा। फाइंडिंग के बाद यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन, अभी मैं दिखा नहीं सकता आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑनलाइन में। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिंग, अगर आप जैसे रिंग कर दे, ये देखिए रिंग रिक्वेस्ट, जैसे ही वो मोबाइल आपका ये कमांड एक्सेप्ट करेगा, वो जो मोबाइल है वो बजना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, मोबाइल तो बज गया। अगर वो मोबाइल आपको नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आप, यहाँ पर कोई पासवर्ड डाल दीजिए, उसको कंफर्म कर दीजिए, कोई रिकवरी मैसेज, मतलब अगर आपको उसे कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि ये वो, अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं कि मेरे मुझे कॉल करो इस पर, और यहाँ पर सॉरी, ये आप कुछ उससे मैसेज दे सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए ताकि वो आपके साथ कांटेक्ट कर सके अगर आपको वो मोबाइल देना चाहे तो। और तीसरा वाला जो है ये इरेज, इरेज करने से क्या होगा, आपका जो मोबाइल में जितना डेटा है पर्सनल डेटा, अगर वो आपको शेयर नहीं करना है तो आप इसे इरेज कर सकते हैं, यहाँ से इरेज कर देंगे। तो जब भी वो मोबाइल आपका कमांड एक्सेप्ट, जब भी ये उसको मोबाइल को दूसरे वाले मोबाइल का ये कमांड मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ डेटा इरेज कर देगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।